आप कहेंगे जैसे मैंने लास्ट 150 क्वेश्चन का सर्कल लगाया तो घंटी बजे उसके पांच या दस सेकंड बाद ही। अच्छा लगभग उसी में हर बड़ी में क्वेश्चन जबकि आप पेपर को सॉल्व जल्दी कर पा रहे थे उसके बाद इसलिए पेपर अगर जिस भी मोड में उसी मोड में प्रैक्टिस करके जानी चाहिए जरूरी है वो चीज क्योंकि चलिए मान लेते हैं बास की तैयारी बहुत अच्छी थी तो उस चक्कर में मान लो दस दस नंबर का फर्क भी पड़ गया तब भी वो बहुत अच्छा स्कोर गेन कर पाए लेकिन अगर किसी की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है या फिर घबरा जाए मान लो बहुत ज्यादा कोई पेपर में जाके क्योंकि वो सब कुछ अलग लग रहा है आपको तो उसमें दिक्कत होती है अगर पेपर ऑनलाइन है आपका तो ऑनलाइन मॉक जरूर देख जाओ ऑफलाइन है तो ऑनलाइन भी पढ़ लो ऑनलाइन भी मॉक दे लो आपके पास टाइम है तो लेकिन ऑफलाइन भी दो चार पांच शीट अपनी ओ वाली प्रैक्टिस करके जाओ लास्ट टाइम मैंने शेयर भी की थी सेम बिल्कुल सी की ही ओ शीट जो है शेयर की थी क्योंकि एक बार क्या होता है एसएससी के छोटे छोटे से गोले होते हैं सी के कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े होते हैं जो सर्कल्स होते हैं ओएमआर के तो वो जरूरी है Especially, जो लोग देने जा रहे हैं, अगर कि वो अगर संभावना भी है मान लो गलतियों की वो कम हो जाती है वहाँ ये मैं अब आपको नहीं, नहीं कह रही हूँ आपका स्कोर हो गया अच्छा ठीक है अब आप आगे बेहतर हो सकता है क्योंकि

लिखा हुआ नहीं रहता था हाँ। लगातार लैंग्वेज होती थी। इस बार जो पेपर है उसमें लिखा हुआ था कि लेके आपने लैंग्वेज अगर हिंदी लिए, 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 लिए।, लिए, लिए। तो इस सेक्शन को लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा है ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हाँ। तो हमेशा बोल के ही भेजती हूँ लोग हमारे साथ गलत भर देते हैं कई बार पेपर टू में भी कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है की जबकि आपका एस एस टी था बिल्कुल तो ईयर उन्होंने अच्छे से किए और